और ज्योमेट्री। चैप्टर आपका 10 है लाइन एंड एंगल्स। लाइन सर, एंगल, तो व्हाट इज एंगल? एंगल किसे कहते हैं? मीन व्हाट इज एंगल? एन एंगल इज एन द इनिशियल बिटवीन टू, एन एंगल इज एन इनिशियल बिटवीन टू रेज विद द सेम इनिशियल, विद द सेम इनिशियल पॉइंट। मीन्स ये आपका एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट आपको ए से बी गया, ए से सी, मीन्स टू रेज, टू रेज, वन रेज ए टू बी, सेकेंड रेज ए टू सी, ए सी। ये आपका एक रे आपका ए सी है, सेकेंड रे आपका ए बी है, इनिशियल पॉइंट आपका ए है, तो ये आपका जो एंगल फॉर्म करेगा ये आपका थीटा करेगा। थीटा जो होता है आपका ये एंगल है, क्या कहलाएगा? एंगल। इट्स ओके। सेकेंड की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट आपका है एक्यूट एंगल के बारे में बात करते हैं। तो एक्यूट एंगल, एन एंगल हैज एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज मोर देन मैग्नीट्यूड इज मोर देन जीरो डिग्री बट less than 90 degree is called acute angle। means आपका ये 90 degree है, ये आपका 90 degree है, तो इससे छोटा होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, मतलब इससे छोटा की बात करते हैं। ये आपका एंगल इस तरह से बनेगा, ये आपका एंगल इस तरह से बनेगा, ये आपका एंगल इस तरह से बनेगा, ये आपका एंगल इस तरह से, ये इस तरह से। मीन इसको हटाने के बाद जितने भी एंगल आपके बनेंगे सब एक्यूट एंगल बनेंगे। इट्स ओके। तो बताते हैं आपको, जो एंगल आपका होगा थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री टू 89 डिग्री, वहाँ तक 89 डिग्री। मीन्स आपका 0 डिग्री से 89 डिग्री तक क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। इट्स ओके। बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड आपका है राइट एंगल के बारे में बात करते हैं। एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड राइट एंगल।
फिगर आपका हो जाएगा, ये आपका एंगल बनाएगा 90 डिग्री। इट्स ओके। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट थर्ड के बारे में बात करते हैं, थर्ड आपका है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, आयन एंगल, आयन एंगल हूज मैग्नीट्यूड, हूज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। मेन ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री आपका ये फिगर था, 90 से आपका ग्रेटर मीन 91 टू मीन्स इसका आपका 91 टू 179 डिग्री, इसके भी ये पूरे नंबर मीन्स 91 से लेकर 179 के बीच से जितने भी एंगल बनेंगे सब क्या होंगे, आपके ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। ठीक है, इसका फिगर आपको बताते हैं, ये इस तरह से आपका फिगर होगा, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं, एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल्स, नहीं यहाँ पे आप बोलेंगे स्ट्रेट एंगल्स, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल्स। आपका फिगर हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, मीन्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट्स ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल, नेक्स्ट आपका है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल हूज मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल मीन्स आपको बताते हैं 181 to 359 इसके बीच में आपको जितने भी नंबर मिलेंगे सब क्या इस 181 टू 359 से ले इसके बीच में आपको जितने भी नंबर मिलेंगे सब क्या होंगे,
क्या होंगे, वो आपके रिफ्लेक्स एंगल होंगे। मीन्स रिफ्लेक्स एंगल का आपका फिगर होता है 180, तो आपका स्ट्रेट होता है, ये आपका 180 पे जाएगा, लेकिन यहाँ से आपका ये आपका कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल लास्ट आपको बताते हैं